गाइस ये देखो मैं कहाँ पहुँच गया गाइस, मेरा पीछे जो देख रहे हो भाई चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो गाइस बारिश हो रहा है, देख रहे हो भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं शिवम फिर से स्वागत कर रहा हूँ आप सभी को मेरा और एक नया ब्लॉग में। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि मेरा फ़ोन मिस हो गया था, सॉरी मिस नहीं मतलब ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने नया फ़ोन लिया था भुवनेश्वर में। तो हाँ जी, जिस दिन मैंने फ़ोन लिया था उसी का नेक्स्ट डे मैं कोलकाता आ गया था। तो ये जो वीडियो अपलोड हुआ था ना वो कोलकाता आने के बाद ही अपलोड हुआ था। तो भाई लगभग 5 या 6 दस हो गया मैंने कोलकाता आ गया। तो भाई भी कोलकाता आने के बाद मैं आप पीसी को भी कुछ ब्लॉग दे नहीं पाया था, क्योंकि फ़ोन ना आईफोन में क्या होता है ना ई सिम करना पड़ता है, तो उसी का तमझाम में थोड़ा अच्छा खासा टाइम लग गया था मेरा। तो फिलहाल कोई नहीं, और आज मैं जा रहा हूँ इको पार्क। हाँ जी सही सुना आपने, और आज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गाइस इन लोगों से मिल लो, ठीक है? मतलब भाई मैं आने के जस्ट 3 या 4 दिनों के बाद, मतलब आज सुबह ही दोनों भाई आ गए। तो भाई अभी प्लान हो रहा है मस्त। एक्चुअली भाई ने आए थे बिजनेस के काम में, तो काम वगैरह सारी की सारी हो चुका है ख़त्म, और अभी हम सभी मिल के मैं सोचा ठीक है तुम तो 90% जगह कवर कर चुके हो और इको पार्क कवर नहीं किए हैं। मैं बोला ठीक है चलो आज इको पार्क चलते, ऐसे भी आप सभी को पता है मेरा रूम के पास है। तो भाई अभी सब मिल के जा रहे हैं, मेट्रो का वेट किया हूँ भाई, तो ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं रोड में दिखाने के लिए। डायरेक्ट ना अगला वीडियो को इको पार्क पहुँच के कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो ऑलराइट गाइस अभी हम लोग बस पहुँचने ही वाला है इको पार्क। ज़रा नहीं वहाँ से और बस 5 to 10 मिनट्स ही लगेगा अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो। अरे सामने में देख लो गाइस, देख रहे हो भाई सामने में, देखो भाई सामने में जो देख रहे हो ये भाई बिरसा बंगला गेट। मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो पे भी मेरा दिखाया हूँ, फिर भी आपको एक बार दिखा लेता हूँ, देख लो भाई। और मैं बोला ट्रैफिक नहीं आएगा लेकिन ट्रैफिक आ ही गया। तो ऑलराइट गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पार्क के अंदर, और आने के बाद टिकट ऐसे आपको लेना पड़ेगा, टिकट भी मैं ले लिया। ये देख लो भाई ये जो QR कोड आपको दिखाई देता है ना, वो जब आप आओगे गेट में वो लोग इसको स्कैन कर लेंगे, फिर ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो जाएगा। और भाई ये कब से आ गया, एक तो एक नया चीज़ आ गया भाई हमारे इको पार्क में, मतलब ये पहले नहीं था। मैं जब लास्ट टाइम आया था ना तब नहीं था, अभी मैं इसको देख रहा हूँ भाई, मतलब ट्रेन जैसा ही है, मतलब आप चाहो तो पूरा इको पार्क इसमें घूम सकते हो। अच्छा वहाँ देख लो भाई ये बना के रखे है उन लोगों ने, काउंटर बना के रखे है, उस काउंटर में टिकट लेके आप अभी ऐसे टॉय ट्रेन का राइड भी ले सकते हो। और आपको खाने पीने का ना सारी की सारी चीज़ आपको मिल जाएगा अंदर में, ये नहीं अंदर में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह दुकान वगैरह है भाई। अरे सामने में लेक है, देखते फिलहाल क्या होता है क्या नहीं, अभी तो जस्ट हम एंट्री किए और पीछे में सब भाई लोग, ठीक है? अरे सागर तो पूरा फटा वीडियो लेने में बिजी रहता है, ठीक है? देखते भाई क्या होता है क्या नहीं, जो होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। मैं तो मेरा कुछ मन नहीं है एक्टिविटी करने का, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आया था मैं बोट राइड किया था, अगर इन लोगों ने करेंगे तो फिर मैं भी कर लूँगा, नहीं तो मेरा मन नहीं है। मेरे को ना ये जो साइकिल देख रहा हो ना भाई, साइकिलिंग करने का बहुत ही मन होता है, देख रहे हो भाई सामने में कितने सारे आदमी साइकिलिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारा एक्टिविटी है भाई। मैं आपको सारे की सारी चीज़ बताऊँगा कौन सा एक्टिविटी का क्या प्राइस है क्या नहीं, बस आप लोग वीडियो में बने रहोगे इस। तो ऑलराइट फाइनली मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ, देख लो भाई पता नहीं क्या है रीज़न क्या नहीं, लेकिन आज जो काउंटर है ना बुकिंग का ये आज क्लोज है। और ऊपर में प्राइस भी लिख लो किसी का क्या प्राइस है, सब कुछ लिख के रखा है उन लोगों ने, ठीक है? बंगाल पे भी लिखा हुआ है, मतलब बंगाली लैंग्वेज में, और हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये देख लो आप लोग किसी का क्या प्राइस है। और जितने सारे बोर्ड सब देख रहे हो ना भाई, सब कुछ देख लो भाई यहीं पर ही है, और अंदर भी देख लो भाई एक भी बोर्ड आज गया नहीं, साइड में सारी की सारी बोर्ड लगा हुआ है, आज बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं हो रहा, देख रहे हो गाइस? तो क्या कर सकते भाई, फोपट हो गया है। भाई लोग आए थे इतना दूर से, मन था लेकिन हो नहीं पाएगा। गाइस ये वाला कटेज देख लो गाइस, कितना प्यारा कटेज है भाई, लेकिन इसके अंदर में ना ऐसे सिविलियन को अलाउड नहीं है, ठीक है? पता नहीं किसका कटेज है क्या है, लेकिन वहाँ पे दरवाज़ा लॉक है और वहाँ उनका सिक्योरिटी बैठता है, लेकिन भाई बाहर से फोटो ना खतरनाक आता है, गजब का है भाई। कभी अगर आप इको पार्क आ रहे हो ना भाई, इसके सामने में एक दो फोटो खींच लेना, देख लो वहाँ हमारा भाई लोग का फोटो शूट चल रहा है, 15 मिनट से तीनों का फोटो शूट ही चल रहा है भाई वहाँ से। बाकी ये कॉटेज गजब का है, और आज आकाश देख लो भाई, वेदर भी गजब का ही है, बारिश नहीं है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, मस्त लग रहा है भाई। गाइस देखो मैं कहाँ पहुँच गया गाइस, मेरा पीछे जो देख रहे हो भाई
चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो गाइस, बारिश हो रहा है। देख रहे हो भाई कैसा बारिश हो रहा है, मतलब पता नहीं भाई। इस साइड देखो भाई, इधर बारिश नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ बारिश हो रहा है। देख रहे हो भाई, बड़े जोर का बारिश हो रहा है भाई। देख रहे हो भाई, देख लो एक बार ये बारिश कैसे हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देख लो भाई, ये ऊपर में सावर है, वहाँ से पानी गिरता है। देख रहे हो भाई, जगह कमल का है ना, सच बताना भाई कैसे लग रहा है। वो अभी हमारा इको पार्क के अंदर ही है। हाँ जी, सही सुना आपने, ये भी इको पार्क के अंदर में ही है। ये पार्क का नाम क्या है वो मेरे को याद नहीं आता है, मैं आपको बता देता हूँ, रुकिए थोड़ा टाइम के बाद मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जगह देख लो भाई, कमल का है ना, चारों तरफ जंगल है और वहाँ पानी भी आ रहा है, मतलब बारिश भी हो रहा है ना भाई, नेचुरल बारिश नहीं है, उसको वो लोग कराते हैं। ठीक है, बाकी जो भी बोलो भाई, गजब का ही है, एक नंबर। तो भाई देख लो, वीडियो बनाने का चक्कर में क्या हालत हो गया मेरा, क्या हाल हुआ है मेरा, पूरा हालत ख़राब हो गया भाई, पूरा बाल भी पूरा गिला गिला हो गया। और पीछे में देख लो भाई, लग रहा है ना भाई, मतलब अगर इसको नहीं रखेंगे ना, मतलब दूर से अगर आप आओगे दिखोगे ना, जैसे हम लोग दिखे भाई, लग रहा है कि पूरा जंगल के अंदर बारिश हो रहा है। सच में भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी एक अच्छा, ये भी है एक तरफ से अच्छा है, ताकि जो लोग थोड़ा एजेड है या फिर फैमिली लोगों के साथ आते हैं, वो लोग थोड़ा बैठ के रेस्ट कर पाएंगे। फिलहाल यही है भाई, कभी अगर पिकअप पार्क आ रहे हो ना, वहाँ एक बार ज़रूर विजिट करना। तो ऑलराइट देख लो, ये जो पार्क का नाम मैं आपको बताया नहीं था ना, ये है भाई मिस्ट गार्डन। देख रहे हो भाई, अरे सामने में देखो भाई, वहाँ देख रहे हो भाई, कितना मतलब पूरा स्मोकी स्मोकी लग रहा है दूर से ना, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो ऑलराइट, अभी हम लोग जा रहे हैं सेवन वंडर्स की तरफ। और देख लो भाई, आपको इको पार्क में आने के लिए भी पैसा लगेगा पर हेड 30 रुपीज़, और वहाँ आने के लिए भी पर हेड 30 रुपीज़ करके पेमेंट करना ही पड़ेगा। टोटल देख लो, तीनों आदमी है 90 रुपीज़, बस ये उनका एंट्री है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मंडे को ना 700 क्लोज रहता है। हाँ जी, इको पार्क खुला रहता है, बस 700 जो है ना ये क्लोज रहता है। अगर आप लोग आ रहे हो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। ये जो 700 के अंदर में भाई कुछ अलग ही बना के रखे है भाई, ये देख लो भाई, ये ताजमहल भाई साहब, ये क्या कितना कुछ बना के रखे है भाई। मेरे को बस इसका नाम ही पता है, बाकी और किसी का नाम मेरे को कुछ भी पता नहीं। ठीक है भाई, और अंदर भी भाई काफ़ी सारे लोग भी जा रहा है। देख रहे हो भाई कैसा लगता है भाई। ये देखो भाई, ये क्या बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक बना दिया, ये तो नया बनाया। ये सामने में ताजमहल, और जिसके इसके जो सामने में ही बनाया भाई। रुको अभी अंदर चलते यार, भाई साहब, अरे भाई ये क्या बनाया। अच्छा, अंदर में घर टाइप का ही कुछ है भाई साहब। अच्छा जी, देख रहे हो, फिर यहाँ से सीढ़ियाँ हुए, इस सीढ़ी के अंदर ना, सर घर के अंदर आओगे ना इस सीढ़ी पे, फिर उधर जाओगे, फिर वहाँ से ब्याक हो जाओगे। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है मेरे को भाई। ये देखो भाई, इसके अंदर काफे में भी है भाई, काफे वगैरह भी है भाई। देख रहे हो भाई, ये जो सामने में देख रहे हो ना भाई, ये वाला काफे है भाई। भाई साहब, 700 के अंदर भाई काफ़ी कुछ है यार। मैं जब लास्ट टाइम आया था, ये काफे नहीं था, और ये जो नया बना हुआ है ये भी नहीं था। और फिलहाल देख लो भाई ताजमहल को, देख रहे हो, ये ना मतलब जो बोर्ड है ना, प्लाई बोर्ड, इसके ऊपर में ना एक 3D का डिजाइन बना हुआ है, देख रहे हो भाई। बाय द वे, इसको डोंट टच कर लिए लिखा है। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग पार्क से निकल चुका है बाहर। भाई टायर्ड कैसे लग रहा है बताओ, मतलब भाई अच्छा खासा आज हम लोग ने वॉक कर लिया। मैं मेरा घड़ी में देख रही थी, लगभग 6 से लेकर 7 किलोमीटर तक हम लोग वॉक किए हैं भाई। और मतलब जगह ही ऐसा है, अगर तुम वॉक नहीं करोगे ना तो कुछ फायदा नहीं। अरे भाई ये देखो भाई, सामने में देख रहे हो बंदा को स्टंट मार रहे साइकिल में। फिलहाल एक काम करता हूँ, ये वाला ब्लॉग को मैं ही पे एंड करता हूँ, क्योंकि वहाँ से अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा, मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट्स में दे रहा हूँ, फूड ब्लॉग आएगा। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग गेस कर लेना, अगर आप लोग गेस कर लिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड, मिलते हैं अगले वाला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।